सेकेंड डे चेरापुंजी मेघालय साइट सींग पॉइंट्स फर्स्ट एलिफेंट फॉल्स सेकेंड डुएन सिंह सायम व्यू पॉइंट थर्ड वाकाबा फॉल्स फोर्थ सेवन सिस्टर्स फॉल्स फिफ्थ नोखलकाई फॉल्स सिक्स्थ मौसमई केव्स एंड सेवेंथ इको पार्क. नेक्स्ट डे फ्रॉम कैसियोपिया होटल वी स्टार्टेड टू चेरापुंजी फ्रॉम शिलोंग. फॉर टूरिस्ट शिलोंग इज द सेफेस्ट प्लेस. यहाँ पर सोलो ट्रैवलर्स लेडी सोलो ट्रैवलर्स भी सेफली विजिट कर सकते हैं और यहाँ पर मेजर फील्ड्स में मेजर बिजनेसेस में लड़कियाँ ही काम करती हैं कि पुलिस फोर्स और पीपल भी बहुत हेल्पफुल और कोऑपरेटिव होते हैं लेकिन यहाँ के लोकल लोग नाइट लाइफ एंजॉय नहीं करते ऐसे लगता है. नॉट श्योर फॉर द नाइट लाइफ ओवर हियर. नाउ वी हैव कम टू एलिफेंट फॉल्स. इसकी एंट्री फी हमें ₹100 पर पर्सन देनी पड़ी. दिस एलिफेंट वाटरफॉल इज हैविंग 3 steps ऑफ फॉल्स. ब्रिटिश एरा में एक इंग्लिश मैन ने ये फॉल्स के बाजू में एलिफेंट के जैसे दिखने वाले बड़े रॉक को देखा तभी से इसका नाम एलिफेंट फॉल्स पड़ा होगा. लेकिन उन्होंने जो एलिफेंट जैसे रॉक देखा था वो 1897 के अर्थक्वेक में डिस्ट्रॉय हो गया. यहाँ का पानी क्रिस्टल क्लियर है और दोनों तरफ हरियाली फैली है. जब आप 3 steps से होते हुए नीचे आते हो सो दैट इज़ अ वेरी स्पेक्टेकुलर व्यू. ये वाटरफॉल शिलोंग से 12 किलोमीटर दूर है और यहाँ के सभी वाटरफॉल्स देखने के लिए हमें स्टीप स्लिपरी स्टेयर से उतरना पड़ता है. यहाँ पे देखो एक नाइस रॉक के केव के जैसे बनाया है. ये वाटरफॉल के लिए हमें करीब 150 स्टेप्स उतरना पड़ा. ये जो आंखों देखा नज़ारा है ना वो पिक्चर या वीडियो में कैप्चर नहीं किया जा सकता. आपको यहाँ पर आकर यहाँ का एम्बियंस यहाँ की ब्यूटी खुद देखनी होगी. ऑल प्लेसेस ऑफ चेरापुंजी आर फुल ऑफ नेचुरल सीनरी. पर मुझे लगता है कि चेरापुंजी को विजिट करना है तो बारिश के बाद तुरंत करना चाहिए. बारिश में भी ये विजिट कर सकते हैं लेकिन जो नेक्स्ट डे हमने डाउकी रिवर किया बांग्लादेश बॉर्डर का तो वो रिवर का पानी क्रिस्टल क्लियर नहीं दिखाई देगा. यू कैन बाय एज मेनी हैंडीक्राफ्ट्स फ्रॉम दिस शॉप्स. अभी हम डुआन सिंह सायम व्यू पॉइंट पे आ गए हैं. मेघालय में चेरापुंजी वाटरफॉल्स केव्स हिल्स व्यू पॉइंट्स एंड ग्रीनरी के लिए फेमस है. डुआन सिंह सायम ब्रिज के लेफ्ट साइड पे ये व्यू पॉइंट है. यहाँ से वी शेप्ड ग्रीन वैलीज और हिल्स दिखाई देते हैं और ये ब्रिज शिलोंग और चेरापुंजी को कनेक्ट करता है. अब हम जाएंगे नीचे की तरफ एक वाटरफॉल देखने के लिए. उतरना आसान होता है लेकिन स्टेप्स चढ़ना बहुत ही मुश्किल थी क्योंकि शहर में हमें इसकी आदत नहीं होती है. पर हमने स्टेप्स चढ़ते और उतरते समय ये निसर्ग का खूबसूरत नज़ारा बहुत अच्छे से देखा. ये प्लांट्स सब नेचुरली ग्रो हुए हैं जैसे कि मियावाकी फॉरेस्ट. सी दिस एडवेंचरस एक्टिविटी गोइंग ऑन हियर. यू हैव टू क्रॉस द माउंटेन फ्रॉम द रोप. इट्स वेरी थ्रिलिंग टू वॉच. व्यू पॉइंट के सामने वाले रोड पर कुछ शॉप्स और कैफेटेरियाज हैं. ये हैवी मॉनसून का नजारा पिकनिक के लिए आइडियल स्पॉट. अभी हम जा रहे हैं वाकाबा फॉल्स की तरफ.
यहाँ पर हर पॉइंट देखने के लिए आपको एंट्री फीस देनी पड़ती है, कभी 10 होती है, कभी 20 होती है, तो कभी 100 तक होती है। ये जो फॉल्स हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं, यू कैन सी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द वाटरफॉल इंस्टेड ऑफ वॉचिंग इट फ्रॉम डाउन, ये इसकी खास बात है। सी द वाटरफॉल कैस्केड्स डाउन फ्रॉम दिस स्टीप रॉक फेस टू 170 to 190 मीटर्स इन टू अ गॉर्ज। दिस इज वन ऑफ द अमेजिंग प्लेसेस। साउंड ऑफ दिस वाटरफॉल कैन बी हर्ड फ्रॉम द लॉन्ग डिस्टेंस। सी हम लोग तो एक रॉक पे खड़े हैं, और अगर ये बीच वाले क्रैक में अगर पैर गया तो हमारा पैर नीचे होके हम शायद वो वाटरफॉल के साथ बह भी सकते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल हियर, और बच्चे बच्चे हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। दिस इज सीजनल वाटरफॉल, बट यूनिक थिंग इज वी कैन व्यू इट फ्रॉम द टॉप इंस्टेड ऑफ फ्रॉम बॉटम। आई गेस इट माइट बी बेस्ट ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो अगर आप चेरापुंजी में रेनी सीजन में आओगे तो वाटरप्रूफ कैमरा लेके आना। कितनी बार इस नज़ारे को ध्यान से देखा पर मन ही नहीं भरा, लेकिन एक दिन में हमें बहुत सारे पॉइंट्स देखने हैं, और यहाँ पर 5 बजे कंप्लीट डार्क हो जाता है, तो उसके पहले शिलोंग में पहुँचना है। तो चलो इस वाटरफॉल को बाय बाय कहते हैं। अब हम जाएंगे नौखलकाई फॉल्स में। वाटरफॉल को हिंदी में जलप्रपात कहते हैं। तो इस नौखलकाई वाटरफॉल की ऊँचाई 1115 फीट है, और हाइएस्ट वाटरफॉल के प्रदेशों में गिना जाता है। दिस टॉलेस्ट प्लंज वाटरफॉल इज अ ट्रीट टू आईज, पर इसके पीछे एक हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी है। ये स्टोरी रियल है कि नहीं वो तो पता नहीं। वन ट्राइबल लेडी आउट ऑफ सोरो जंप्ड फ्रॉम दिस वाटरफॉल एंड एंडेड हर लाइफ। हर नेम वॉज लिकाई। द मीनिंग ऑफ नौखलकाई इज जंप ऑफ का लिकाई, कि नोह का मतलब जंप, का मतलब एक प्रीफिक्स है जो लेडी के पहले जोड़ते हैं, और लिकाई का मतलब वो लेडी। नौखलकाई वाटरफॉल इज रेनफेड बट पेरिनियल इन नेचर। इफ यू वॉन्ट टू सी इट विथ फुल ग्लोरी यू हैव टू विजिट इट इन रेनी सीजन फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। द फ्लो ऑफ वाटरफॉल इज रिड्यूस्ड इन विंटर एंड समर सीजन। जैसे मैंने पहले बताया, रेनी सीजन में बाकी का पानी क्रिस्टल क्लियर नहीं दिखाई देता है। तवांग में आप जाओगे तो आपको स्नोफॉल भी नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे आप थोड़ी बहुत शॉपिंग कर सकते हैं। वाटरफॉल के नीचे जो अपने जंगल देखा ना, उसमें ट्रेक कर सकते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट वन। नीचे वाले जंगलों में बर्ड लाइफ की वैरायटी भी बहुत है। वैसे भी चेरापुंजी तो वेटेस्ट प्लेस है अर्थ पे। ऑब्वियसली इट इज़ फुल ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट, बर्ड लाइफ एंड एनिमल लाइफ। वी हैड फन हियर टू वॉच द वैरायटी ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स मेड बाय द लोकल पीपल एंड दे सेल देम एट रीजनेबल रेट्स। नाउ इसके बाजू में है सेवन सिस्टर्स फॉल्स। सेवन सेगमेंट्स ऑफ वाटर मीन्स सेवन सिस्टर स्टेट्स ऑफ आसाम। दिस इज द फोटो ऑफ रेनी सीजन। नाउ मौसमई केव्स। मौसमई केव्स आर ऑन द बिजी एंड सीनिक शिलोंग सोहरा रोड। अप्रोच टू मौसमई केव्स इज द प्लेजेंट पार्ट। हियर वी आर वेलकम्ड बाय दिस सॉन्ग। दिस यंग बॉय सीम्स टू बी अ सुपर सिंगर। इट्स अ नाइस शॉर्ट वॉक थ्रू अ थिकली वुडेड एरिया विद द चर्प्स ऑफ द बर्ड एंड क्रिकिंग इंसेक्ट्स इन द बैकग्राउंड। केव्स में जाने से पहले लोग यहाँ पर समय बिताते हैं। ये केव 150 मीटर्स लॉन्ग है एंड इट टेक्स 20 मिनट्स टू सी दिस केव्स फुल्ली। एंट्री पॉइंट एंड एग्जिट पॉइंट्स आर डिफरेंट। यहाँ पे आपको स्टैलेक्टाइट्स एंड स्टैलेगमाइट्स क्लियरली दिखाई देंगे। जब केव के अंदर के रूप से वाटर ड्रिप होता है तो उसमें कैल्शियम सॉल्ट भी डिपॉजिट होता है, दैट गिव्स अ टेपरिंग स्ट्रक्चर। हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द केव इसे स्टैलेक्टाइट कहते हैं। और जब
ग्राउंड से पानी के साथ कैल्शियम सॉल्ट्स ऊपर उठ के कॉलम बनाते हैं तो उन्हें स्टैलेगमाइट कहते हैं। ये दोनों आपको इस केव में दिखाई देंगे। ये केव फॉसिल्स के लिए फेमस है। मेघालय में ऐसी 10 लॉन्गेस्ट केव्स है। ये केव लाइमस्टोन से बनी है। मॉस माई मीन्स ओथ स्टोन इन खासी लैंग्वेज। एक तो ये केव हंटर्स ने डिस्कवर की या फिर ब्रिटिशों ने 1844 को डिस्कवर की। ये एक जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट में है। आगे आगे एकदम नैरो रास्ता है। अंदर अच्छी तरह लाइट बल्ब्स वगैरह लगाए हैं एंड इट इज वेरी सेफ फॉर टूरिस्ट। जिनको क्लेस्ट्रोफोबिया है उन्होंने यहाँ पर नहीं जाना चाहिए। अगर आपको कन्फाइंड और क्लोज प्लेसेस में डर लगता है तो आप मत जाओ। इसके अंदर जाकर भी हमने अपने फोटो खींचे। नाउ वी आर वेरी नियर टू द एग्जिट। नाउ एग्जिट आ गया। इट इज रियली थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। अगर आप मेरा वीडियो देखकर यहाँ पे आओगे तो आपका एक्सपीरियंस कमेंट्स में जरूर शेयर करना। यहाँ पर दूसरी केव है लेकिन वो बंद थी और यहाँ पर उन्होंने पूरे इन्फॉर्मेशन के साथ मैप दिया है। ये पढ़ के आप अंदर जाओ। एंड अगेन हियर यू कैन बाय द ब्यूटीफुल पीसेस ऑफ डेकोरेशन। अब हम इको पार्क की तरफ जाते हैं। ये इको पार्क सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल के करीब है। इसे मेघालय गवर्नमेंट ने 2004 में एस्टेब्लिश किया है। इसमें आपको फुट ब्रिजेस, व्यू पॉइंट्स, चिल्ड्रन प्ले एरिया, शेल्टरिंग एरियाज ये सब दिखाई देंगे। बहुत काम और पीसफुल एरिया है। दिस इज स्प्रेड इन 480 एकर्स एरिया, इकोलॉजिकल एंड अर्बन पार्क। यहाँ पर आपको वेटलैंड्स, ग्रासलैंड्स और अर्बन फॉरेस्ट ऐसे 3 सेक्शंस दिखाई देंगे। इको पार्क्स जनरेट देयर ओन एनर्जी, क्लीन देयर ओन वाटर एंड प्रोड्यूस देयर ओन फूड। इट इज अ सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम। द फुल फॉर्म ऑफ इको इज इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। वी कैन कॉल इट एज इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल पार्क। आज हमने लंच बहुत लेट किया बट इट वॉज सो टेस्टी। यहाँ पर मुझे बैंगन का पकौड़ा बहुत अच्छा लगा और इस होटल में बहुत सारा क्राउड भी था। हमको टैक्सी में घुमाने वाले ये जो हमारे साथ जो टूर गाइड्स होते हैं ना, उनकी वजह से हमें अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स और अच्छे अच्छे प्लेसेस देखने को मिलती है। वी आर रियली थैंकफुल टू द लोकल गाइड्स। और वो हमसे बहुत सारी बातें करते हैं, उनकी फैमिलीज के बारे में बताते हैं। इट्स अ गुड एक्सचेंज ऑफ थॉट्स। हमने हमारे टूर गाइड के साथ फ़ोटो भी लिया। पता नहीं कब मुलाकात होगी नहीं होगी। फिर शिलोंग में आए तो रात हो चुकी थी। जहाँ हमने पहले दिन खाया था उसके सामने का ये रेस्टोरेंट है, लेकिन यहाँ का खाना हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया। लेकिन इस होटल का डेकोर अच्छा था। फिर नेक्स्ट डे हम बांग्लादेश बॉर्डर पे जाएंगे और कई सारे प्लेसेस देखेंगे।